तीन को दौड़ देख रहे हैं, ये वोल्टेज को क्या कर देता है? अभी ससुराई गर्म हो जाएगा इसलिए इसमें क्या भर दिया? स्पार्मर में कौन सा तेल भरा जाता है? ये जो अकड़म बकड़म इकाइली है, यानी वोल्टेज बढ़ाना और घटाना किस पे डिपेंड करता है? ट्रांसफार्मर एक तरह का स्टैटिक डिवाइस है, रुका हुआ होता है। क्या होता है? स्टैटिक डिवाइस यानी रुका हुआ है, उसमें कोई भी मूविंग पार्ट वगैरह नहीं होता है। आ गया ट्रांसफार्मर, देखिए इसमें कुछ काम धाम नहीं रहता है। इसमें ट्रांसफार्मर बहुत सिंपल डिवाइस होता है काम ट्रांसफार्मर में। हाँ, तीन को दो धड़ देख रहे हैं, इसके नीचे तीन टो ना क्या होता है, कॉयल होता है, तीन टो पिलर होते हैं और जिसमें क्या लपेटा रहता है, कॉयल लपेटा होता है। क्या लपेटा रहेगा? कॉयल लपेटा रहता है। ये वोल्टेज को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। बेसिकली ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ा देना, बस काम खत्म इसका, बाकी ताम झाम लगा हुआ है इसमें और कोई काम नहीं है इसका। ट्रांसफार्मर काम खत्म इतने में हो जाता है। लेकिन किसी भी चीज़ को अब आप गाड़ी देखिएगा, देखो इंजन चाहिए, स्टेयरिंग चक्का, गाड़ी चल देगा, लेकिन उसमें ताम झाम चाहिए ना, शीशा चाहिए, वाइपर चाहिए, ब्रेक चाहिए, फिर अंदर गद्दादार कुर्सी चाहिए। हाँ, उसमें अब एक से एक नौटंकी देखिएगा, बड़का बढ़िया बढ़िया कंपनी का लीजिएगा गाड़ी ना, तो अंदर वह छाता रखने के लिए को देता है। तो मेन काम हो गया ट्रांसफार्मर, इतने में खत्म। अब इसको सजावट चाहिए। देखिए इसके अंदर ये जो तीन टो क्या रहेंगे, कॉयल रहेंगे, अब ये हीट हो जाएंगे, इस पर एक टो करंट देंगे तो ये आपस में वोल्टेज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ये ट्रांसफार्मर का एक बड़ा सा टैंक है, ये क्या है, टैंक है, जिसके अंदर ये तीन को क्या किया रहता है, अंदर रखा रहता है। अब इस ससुराई गर्म हो जाएगा इसलिए इसमें क्या भर दिया जाता है, तेल भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? तेल, जिस तेल को कहते हैं नेफ्था ऑयल। क्या कहेंगे? नेफ्था ऑयल। ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल भरा जाता है? नेफ्था ऑयल भरा जाता है। अब ये तेल इसमें जल रहा है, पूरा लबालब रहना चाहिए, वरना हीट होके क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा या फिर गड़बड़ा जाएगा कोई भी चीज। इसमें कोई घूमने फिरने वाला पार्ट होता है नहीं, बस इसमें करंट आएगा, ये एक साइड से वोल्टेज दूसरे साइड से बढ़ा के क्या कर देगा, भेज देगा। इसमें क्या भरा रहता है? ऑयल। अच्छा, इसमें ऑयल पूरा लबालब भरा रहता है। और ये एक्स्ट्रा टंकी होती है, ये देखिए एक्स्ट्रा टंकी है ना, ये इस ये हो गया आपका एक्सपेंशन टैंक बोलते हैं इसे। क्या कहेंगे? एक्सपेंशन। इसमें तो तेल भरवे किया है, एयू में भर देता है आधा, समझ में आ गया? तो ट्रांसफार्मर में दो जगह भरा जाता है, एक मेन टैंक में ऑयल लबालब और एक्सपेंशन टैंक में आधा तेल। जो ट्रांसफार्मर में भरा जाएगा, ध्यान से समझो, ये तेल का यूज बस दो टो होता है, एक हीट को कम रखना, दूसरा आवाज को घटाना। ट्रांसफार्मर में एक हमिंग साउंड आता है, गन ऐसे बजता रहे, तेलवा नहीं रहेगा ना तो और ज्यादा गनगनाएगा वहां पर, फिर हाई साउंड निकलेगी तो वो एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। तो तेल हमेशा भरा जाता है किसके थ्रू? बैल एक्सपेंशन टैंक के थ्रू। किसके थ्रू? एक्सपेंशन टैंक के थ्रू क्या भरा जाता है? तेल। और ये तेल एक्सपेंशन टैंक को होते हुए कहाँ जाता है? मेन टैंक। 100% जब मेन टैंक भर जाता है तो वो तेल किस में आता है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन टैंक को कितना भरा जाता है आप, समझ में आ गया? आधा इसलिए भरा जाता है कि देखिए जब ये खोलता है तो इसको जगह मिल जाए, ठीक है, और पूरा, और इसमें आधा इसलिए और भी भर दिया जाता है कि अगर ये खोल के कुछ उड़ जाता है, इसमें से कुछ लीकेज हो जाता है, तो वो आगे क्या कर देगा, पूरा कर देता है, समझ में आ गया कि नहीं? और इसी पर मीटर लगा रहता है जो इसको क्या कर सकता है, नाप सकता है। तो ट्रांसफार्मर में तेल रखना जरूरी है। नेफ्था ऑयल होता है, कौन सा ऑयल? नेफ्था। ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल भरा जाता है? मार्केट में जो तेल मिलता है वही डाल देंगे। हाँ डाल दो, तुम सरसों तेल डाल दो इसमें, सच में कहीं क्या बोल रहे हैं, कई बार बोले नेफ्था ऑयल, नेफ्था ऑयल, तो इसको समझे में नहीं आ रहा है नेफ्था क्या बोल रहे हैं, इसको लग रहा है कोनो कंपनी का नाम है, जैसे पतंजलि, कच्ची धानी, फॉर्चून, नेफ्था, एक से एक रहता है। काम खत्म ट्रांसफार्मर का, बाकी ताम झाम अकड़म बकड़म भी बस उसी को रखने के लिए, ये ठंडा करने के लिए, विंग्स क्या है, ठंडा करने के लिए। इसमें क्या होता है ना, ये याद देखिए छोटे छोटे इसमें क्या बने हैं, पाइप बने हैं। जब ये गर्म होता है तो गर्म ऑयल इधर से जाता है और इस पत्ती से लेके नीचे उतरता है, छोटे छोटे इसमें नली बने, इसी से क्या होता है, नीचे उतरता है। और ये नली में हल्का हल्का गैप होता है, जब उस गैप से हवा जाती है तो हवा काफी तेजी से अंदर जाती है तो उसको क्या कर देती है, ठंडा कर देती है, फिर वापस किस में आ जाता है, टैंक में आ जाता है। तो बाकी ये जितना अकड़म बकड़म है ये क्या है, किस लिए, ठंडा रखने के। ये तेल इसमें जाएगा और ये नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो इसमें क्या रहेगा, हवा,
हवा पतला पतला इसमें गैप रहता है, तो हवा जब भी पतले रास्ते से जाती है तो ठंडी हो जाती है, वो उसका रूल है। प्रेशर बढ़ाएंगे हवा का ठंडा हो जाएगा। जैसे हम अपना मुंह एकदम बाका खोल के हवा छोड़ेंगे ऐसे तो गर्म लगेगा, एकदम पतला करके फूकेंगे तो कैसे लगेगा, ठंडा। तो गर्मी के दिन में किसी को ऐसे पतला ऐसे फूकिएगा तो उसको क्या लगेगा, ठंडा। बताइए ये जो अकड़म बकड़म इकाई लिया है, ठंडा विंग्स है ये, विंग ये क्या करता है, ठंडा करता है। अब इसमें जितना बड़ा ट्रांसफार्मर उतने विंग्स निकाल देगा, यहाँ पर एक उधर निकला एक इधर छोटा सा एक इधर से, बस ये क्या करता है, ठंडा करता है। बस ट्रांसफार्मर में लगता है कौन चीज, एक तो क्या बनाना है, टैंक, और उसमें तीन टो क्वाइल लगा देना है, काम खत्म। और एक क्या देना है, एक्सपेंशन टैंक, ऑयल को किधर से भरना है, तो हमिंग साउंड को क्या करेगा, कम करेगा और क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, अभी ट्रांसफार्मर को टांग दीजिएगा, कहाँ पर, पोल पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ट्रांसफार्मर पोल पर टांग दीजिएगा, उसके नीचे फोचका वाला अपना ठेला लगा लेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, गांव वगैरह में देखते होंगे ट्रांसफार्मर उड़ जाए, ट्रांसफार्मर के सामने बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं आप। हो सकता है उसके घर के सामने में ट्रांसफार्मर होगा, वो देख रहा है वहीं से देख के एकदम। आगे बढ़े, तो ये तो ट्रांसफार्मर की बनावट हो गई, क्या हो गई, ट्रांसफार्मर की बनावट। तो ये ट्रांसफार्मर के बीच में क्या होता है, क्वाइल होता है, और क्वाइल किस पर लपेटा रहता है, नरम लोहा पर। किस पर लोहा, नरम। तो ट्रांसफार्मर का कोर किसका, नरम लोहा। इस पे क्वाइल किस चीज का, कॉपर का। क्वाइल किस चीज का, तेल कौन सा, नेफ्था। जो सामान लगना था लग गया, अब कुछ नहीं। इस टैंकवा में कौन सा ऑयल, नेफ्था। नेफ्था ऑयल को एक्स्ट्रा एक टैंक में एक्सपेंशन, ठंडा करने के लिए विंग्स, विंग्स ब्लेड होते हैं, इससे ठंडा ऊपर से जाता है, नीचे आता है तो हवा मार के क्या कर देता है, ठंडा। पतले रास्ते से हवा निकलता है, क्या रहता है, ठंडा कर देता है। अभी इधर से रहेगा, कई ट्रांसफार्मर बहुत हैवी रहते हैं तो उसमें पंखा लगाया रहता है, बट वो बहुत हैवी ट्रांसफार्मर रहता है, उसमें क्या लगा देता है, पंखा, फैन लगा देता है। कई कई जो बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं एसी लगा देता है ट्रांसफार्मर के पास। अब कोई बड़ा कंपनी है, टाटा स्टील है या एम्स का कोई, एम्स हॉस्पिटल है, जैसे पीएमसीएच हॉस्पिटल है ना, इस सब में तो ऑपरेशन थिएटर में एक से एक मशीन चल रहा है, तो उसके जो ट्रांसफार्मर सप्लाई देता है उसमें क्या लगा देता है, फैन और एसी लगा देता है। हॉस्पिटल वगैरह में पता चला किडनी खोल के बैठा, लाइटें कट गया, अरे लाइट को ले आ रहे यहाँ पर, यहाँ पर तले दो घंटा हो गया, बनते बनते होश में चलाएगा, हमारा किडनी का खोला रे, मार हो जाएगा वहीं पर, रख रख चुटा लेके घरे जा रहा था, बवाल हो जाएगा। आगे बढ़े, ये गधा पूछ रहा है नेफ्था ऑयल कहाँ से खरीदेंगे। अरे चुट्टा, जो ट्रांसफार्मर खरीदेगा वही ना नेफ्था ऑयल खरीदेगा, बना रहा है घरे, एक से एक रहता सब। वोल्टेज इंडक्शन से बढ़ाएगा, चलिए ध्यान से समझिए मेन चीज पे। जब भी इस पे लो वोल्टेज दीजिएगा आप, तो यहां पे जो कॉइल होते हैं, जब किसी एक कॉइल पर करंट जाता है और ठीक बगल में दूसरा कॉइल रहता है, तो इससे करंट इस पर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे करंट शिफ्ट होगा, तो अगर कॉइल की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर कॉइल की संख्या कम, तो वोल्टेज ही आ जाएगा, कम। तो यानी वोल्टेज बढ़ाना और घटाना किस पे डिपेंड करता है, कॉइल पर। किस पे डिपेंड करेगा, कॉइल। ये ट्रांसफार्मर का क्या है, स्ट्रक्चर।